फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं छोले, जो कि नॉर्थ इंडियन फूड का स्पेशलिटीज़ है एंड इसको बहुत चाव से लोग फेस्टिवल के दिन या ऐसे भी खाते हैं। तो सबसे पहले हमने तेल गरम किया, तेल में ये हिंग की फोड़नी डाली, तेज़पत्ता दिया, एक हरी मिर्च डाली, लौंग और छोटी इलायची दिया, ज़ीरा दिया। हमारा तेल बहुत ही गर्म था इसलिए मसाले जल्दी से पक गए, तो इसके अंदर हम अपना प्याज डालेंगे। कुछ स्टर करेंगे, फ्लेम हमेशा कम पे रखेंगे। ये छोले जो है मैं कुकर में बना रही हूँ, तो कुकर में छोले जल्दी से पकते हैं और अच्छे से पकते हैं। मसाला भूनने से पहले मैंने चिकन पी जो होता है, छोले के जो चने होते हैं, उसको 5 से 6 घंटे भिगो के रखा था। उसके बाद उसको एक प्रेशर कुकर में 1 सीटी का प्रेशर लगाया था कि वो अच्छे से गल जाते हैं, फिर उनका टेस्ट अच्छा सा आता है। तो फ्रेंड, हम प्याज को भुनेंगे जब तक वो गुलाबी ना हो जाए। हमारा प्याज भुन रहा है, हम उसके मसाले बना लेते हैं। मसाले के लिए क्या किया हमने, 6-7 लहसुन की कलियाँ ली हैं, ऐसा मसाला तैयार कर लेंगे। तो मसाला के लिए मैंने लहसुन और हरी मिर्च डाली है, साथ में हम छोले मसाले के अलावा अपना देसी मसाला भी डालते हैं, उससे टेस्ट अच्छा आता है। तो 1 टीस्पून जीरा पाउडर डाला, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून का पाउडर डाला। एंड अब इसमें हम क्या करेंगे, हम जो छोले मसाले बाज़ार का आता है, मैंने एवरेस्ट का मसाला लिया है छोले का, इसको अराउंड 2 टीस्पून हम इसमें मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के हम मिक्सर को चला लेंगे तो एक अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। पेस्ट का जो मसाला होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में एंड वो गाढ़ा भी होता है। जो मसाले में मैंने पानी डाल दिया है, एक चीज़ जो मैं भूल गई थी डालना वो है अदरक। बिना अदरक का छोले का टेस्ट नहीं अच्छा आता, सो ये अराउंड 1 इंच की अदरक है जिसको हम बारीक काट के इसके अंदर डालेंगे। ऐसे पूरा टुकड़ा डाला तो अदरक अच्छे से नहीं पिसती है। अदरक डाला और आप चाहो तो इसमें आधा प्याज भी डाल दो, तो हमारी ग्रेवी क्या होती है, गाढ़ी बनती है। फ्रेंड, देख सकते हैं कि हमारा प्याज अच्छा सा गुलाबी रंग ले लिया है। इसमें अब हम अपने मसाले को डालेंगे। छोले में जो एक बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है वो कसूरी मेथी का आता है। फोड़नी में मैंने नहीं डाला कसूरी मेथी, क्योंकि क्या होता है कि फोड़नी में तेल ज़्यादा होता है, उस समय वो जल जाता है तो टेस्ट ख़राब हो जाता है और उसका कलर भी ख़राब हो जाता है। तो अभी मैं इसमें कसूरी मेथी डालूँगी, इसको एक बार स्टिर करूँगी, फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम करती हूँ ताकि हमारा अच्छे से भुन जाए। हमने मसाला ग्राइंड कर लिया है, तो अब ये मसाला भी हम डाल देंगे। देख सकते हो फ्रेंड, कितना अच्छा सा पेस्ट बना है। ये हमारे सूखे मसाले ही हैं जिसको पानी डाल के मैंने मिक्सर में चलाया, तो एक अच्छा सा पेस्ट आया। एग्जैक्टली सिलवट्टे जैसा तो टेस्ट नहीं आता, बट उसके जैसा टेस्ट आता है। इसको भी हम 1-2 मिनट भूनेंगे, उसके बाद इसमें ग्रेवी हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो इसलिए इसमें 1 आलू डालेंगे। नमक हमने नहीं डाला था, तो हम अपना 1 टीस्पून नमक डालते हैं। फ्रेंड, देख सकते हो कि हमारा मसाला भुन रहा है। मसाला अच्छे से भुना इसलिए मैंने पानी के साथ मसाला डाला था, और इसको अच्छे से हम
पाँच छः मिनट भूनते हैं क्योंकि फ्लेवर अच्छा सा आ जाए, लहसुन अदरक दोनों ही अच्छे से भून जाए, मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए और प्याज हमारा एकदम से गल जाए। ये जो अभी भी आपको प्याज दिख रहा है, ये जब तक प्याज दिखता रहता है तब तक छोले का टेस्ट नहीं अच्छा आता। तो प्याज अच्छे से गल जाए इतने अच्छे से आप भूनो इसको। नमक डाला है इसलिए जल्दी भून जाएगा, ये गल जाएगा। इसको अभी एक दो मिनट और भुनेंगे कि एकदम से तेल छोड़ दे। फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये अच्छे से भुन रही है, तेल इस पानी इसमें का एकदम कम हो गया है, ये पेस्ट जैसा बन गया है। इसमें हम बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे। धनिया बहुत लोग गार्निश करने के लिए यूज़ करते हैं, मैं गार्निश और प्लस भुनने दोनों में लगाती हूँ क्योंकि भुने हुए धनिया का टेस्ट अलग होता है। एक टमाटर बारीक काट कर मैंने डाला है, इन दोनों को भी मिक्स करके भून लेंगे जब तक टमाटर गल ना जाए। किसी भी सब्जी का टेस्ट तभी आता है जब उसे अच्छे से भुनो। थोड़ा टाइम लगता है बट जो टेस्ट आपको मिलेगा वो एकदम बढ़िया, टिपिकल जो शादी में या पार्टी में बनते हैं ना वैसा फ्लेवर मिलेगा आपको। फ्रेंड देख सकते हैं हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भुन गया है, तेल छोड़ दिया इसमें। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अपने छोले जो ऑलरेडी मैंने एक सीटी एक प्रेशर के लायक बॉयल करके रखा हुआ है वो छोले, और उसमें एक स्मैश किया हुआ आलू डालेंगे कि हमारा ग्रेवी जो हो वो बड़ा अच्छा सा थिक सा हो। आलू भी बॉयल कर लिया है फ्रेंड, कच्चा आलू डालने का कोई फ़ायदा नहीं, वो खड़े खड़े रह जाएंगे। तो बॉयल आलू को स्मैश करके डालेंगे क्योंकि उसका ग्रेवी अच्छा सा हो जाए। आलू को मैंने छिला और उसको ऐसे स्मैश करके इसके अंदर डालेंगे। देख सकते हो फ्रेंड मैंने दो आलू डाला है, उसको अच्छे से इसमें भून लेंगे कि आलू भी हमारे ग्रेवी में मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। आलू हमें एकदम बारीक होना चाहिए, खाने में नहीं मिलना चाहिए कि ऐसा नहीं लगे कि हम आलू की भाजी खा रहे हैं। ये जस्ट हमारे ग्रेवी को गीला करने के लिए चाहिए, इसलिए फर्दर स्मैश कर रही हूँ मैं इसको। फ्रेंड देख सकते हो हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से भुन गया है। ये अराउंड मैंने दो कप छोले भिगोए थे, इसको मैंने ऑलरेडी बॉयल कर दिया, आप देख सकते हो ये अच्छे से पकी हुई है। इसमें से थोड़े से जो चने हैं उसको हम स्मैश करके डालेंगे ताकि हमारा ग्रेवी गाढ़ा रहे, और बाकी हम ऐसे डाल देते हैं। इसको एक बार स्टिर करेंगे, मिक्सअप करेंगे, उसके बाद हम कढ़ी या रस्से के लिए पानी डालेंगे कि हमारा ग्रेवी हो। तो पहले इसको एक बार हम अच्छे से मिक्सअप करते हैं, भून लेते हैं। भुनने से ऐसा होता है ना, कभी कभी आप ऐसे छोले डालो तो ऐसा लगता है कि पानी में नहा के निकलाओ। इसको थोड़ा सा भून दिया ना तो ये थोड़ा सा खुद से भी पक जाता है, और फिर ये छोले में जब मिलता है ना तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देता है। तो एक मिनट के अराउंड हम इनको अलट पलट के भून लेंगे। फ्रेंड देख सकते हो हमारा चना अच्छे से भुन गया है, ये एकदम सूखा हो गया है। इसका कलर और टेस्ट दोनों ही बहुत ही लाजवाब है, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, पानी अपने अंदाज से डालिए, इतना पानी डालिए कि हमारे छोले जो हैं वो इसमें अच्छे से डूब जाए। देख सकते हो फ्रेंड इसको जब हम प्रेशर लगाएंगे तो ये जो ग्रेवी है ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा, मसाले इसमें घुल जाएंगे। तो अब हम इसको ढक्कन लगाएंगे एंड दो विसल तक के लिए, गैस को हाई फ्लेम पे मैंने रख दिया है दो विसल के लिए। दो विसल के बाद हम गैस ऑफ कर देंगे एंड जब तक प्रेशर नहीं खुद से जाता है तब तक हम कुकर को ओपन नहीं करेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी हमारे छोले कैसे बने। फ्रेंड देख सकते हैं हमारा छोला कितना अच्छा सा कलर लेके आया। अभी इसको सर्व करने से पहले
हम बारीक हरी धनिया से गार्निश करेंगे। इसे आप पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, भटूरे के साथ खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी सा टेस्ट है, होली स्पेशल है। होली के समय आप अपने फ्रेंड्स को खिलाओ मसालेदार। अगर आपको थोड़ा तेल की ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ऊपर से बटर भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, बेल आइकन भी प्रेस करना। कुछ सजेशन देने हो तो आप कमेंट बॉक्स में हम कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।